दूसरा आंदोलन अभी करते प्रदर्शनकारी संगठन और किसानों की कई मांगे हैं, जिनमें कई पर सरकार तैयार भी है। किसान चाहते हैं कि सभी फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी वाला कानून बने। सरकार किसानों को भरोसा बैठक में दे चुकी है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाते हैं, किसान भी उसमें शामिल रहे। किसान कहते हैं कि एमएसपी पर ही खरीद की गारंटी वाला फैसला सरकार तुरंत करे। सूत्र बताते हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया कि दालों की एमएसपी को लेकर गारंटी की बात पर तुरंत विचार हो सकता है, लेकिन बाकी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी के लिए केंद्र सरकार को संशोधन के लिए कुछ समय चाहिए। किसान चाहते हैं कि देश में सभी किसानों की पूरी कर्ज माफी हो, लेकिन देश में किसानों पर कुल 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसे एक साथ माफ करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए कतई सही नहीं हो सकता। हालांकि बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग पर जानकारी है कि सरकार तैयार है। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने की किसानों की मांग पर भी सरकार तैयार है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मामले वापस करने की मांग पर भी सरकार तैयार है। एमएसपी वाले मामले में सरकार कहती है कि किसानों के लिए 2013-14 के मुकाबले 10 साल में कई गुना ज्यादा एमएसपी बढ़ाकर दी जा रही है। सरकार कहती है कि एमएसपी के फैसले में कई पक्षों को शामिल करना जरूरी है, इसीलिए आवश्यक है कि बैठकर किसान बातचीत करें न कि प्रदर्शन करें। उनकी जो मांग है उसको लेकर के आप लोगों ने मीटिंग भी किया था, किस तरीके से आगे अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? मैं अभी भी आशान्वित हूँ, मैं मानता हूँ कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। ये बात उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं सरकार की पद्धति होती है, सरकार के मापदंड होते हैं कि जो ऐसे मामले जो राज्यों से सन्निहित है उनके साथ भी बातचीत करना औपचारिक तौर से, और उसके बाद संगठनों के साथ भी बात करना। एमएसपी की गारंटी की मांग और इसके अलावा कर्ज माफी को लेकर के किसानों की तरफ से लगातार एमएसपी की बात यदि आप देखें तो आप इसका अध्ययन करिए कि एमएसपी में 2013 और 14 की तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है। हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके। उनकी मांग है कि एमएसपी को लीगली जो है मान्यता देनी चाहिए। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने किसान कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। किसान भाइयों के लिए तो अगर मैं चार जाति की बात करते तो उसमें अन्नदाता को प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार लिया, और कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। उनके समय मात्र बजट जो था 27,000 करोड़ रुपए का था, जब 2013-14 में यानी कि आखिरी साल यूपीए का जो सबसे ज्यादा बजट वो 27,000 करोड़ का था। मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ का बजट इस साल का है, 1,00,000 करोड़ रुपया ज्यादा। दूसरा विषय आता है कि उनके समय पीएम किसान सम्मान निधि नहीं थी, ना किसानों का सम्मान था ना निधि थी। फसल बीमा योजना उनके समय ना के बराबर थी। मोदी सरकार में 1,50,000 करोड़ का मुआवजा हमारे किसान भाइयों को मिला है। उनका ये कहना है कि पिछली बार लगभग एक साल लग गया था, जब 3 कृषि कानून बिलों को लेकर उन्होंने इसी तरीके का प्रदर्शन किया था, इस बार मध्यस्थता का रास्ता आपको लगता है कितनी जल्दी निकल जाएगा? मेरा सिर्फ एक बात है, अगर हर बार नए विषय जुड़ेंगे तो नए विषय के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, सबसे चर्चा करनी पड़ेगी। अब सरकार का एक पक्ष है, किसानों का एक पक्ष है, और एक बड़ा पक्ष सियासत का है। कैसे समझिए, जिस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही फसलों पर एमएसपी की गारंटी का कानून किसान चाहते हैं, वो कमेटी नवंबर 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में बनी थी। यानी यूपीए राज में ही 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का गठन हुआ। दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 तक स्वामीनाथन आयोग 6 रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन यूपीए राज में बने आयोग की रिपोर्ट पर यूपीए राज में कभी पालन नहीं हुआ। जिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक ध्यान नहीं दिया,
उसी रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की गारंटी वाले कानून का वादा अब कांग्रेस 2024 के चुनाव से पहले कर रही। हम एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर कमी गिरे तो इस गारंटी को, पैसा कम गिरा, मार्केट से भी कम गिरा, तो हम जो फिक्स करते गवर्नमेंट के तरफ से एमएसपी, वो रेट सरकार भरपाई करके आपको देगी। किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टियर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है, और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। बहुत सारे राज्यों में इनकी सरकारें थी, वहां क्या किया? केंद्र में इनकी सरकार 60 साल रही, तब इन्होंने क्या किया? राहुल गांधी जी, आपकी गारंटियां तो हर राज्य में फेल हो रही, जहां जहां दी थी एक एक साल में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जो जो वायदे किए थे, हिमाचल में 1500 रुपए बहनों को देने के लिए कहा था, नहीं दिया। 5 लाख नौकरियां देने की कही थी, नहीं किया। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। जवाब दे राहुल गांधी देश को, क्यों गारंटियां फेल हो रही हैं? किसान अभी ज्यादातर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर हैं, लेकिन असर दिल्ली तक पहुंच रहा है। आपको एक नक्शे के जरिए ये हम दिखाते हैं। दिल्ली आने के कई एंट्री पॉइंट हैं, जिनमें दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर है, दिल्ली रोहतक हाईवे पर टेकरी बॉर्डर है, दिल्ली जयपुर हाईवे पर रजोकरी बॉर्डर है, दिल्ली फरीदाबाद हाईवे पर बदरपुर बॉर्डर है, नोएडा से डीएनडी के जरिए लोग दिल्ली आते हैं, गाजीपुर और लोनी बॉर्डर से गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ जाता है। इन सारे बॉर्डर्स पर कड़ा सुरक्षा पहरा है, और तब आज आंदोलन की वजह से दिल्ली के चारों तरफ आम लोग जाम में फंसते रहे।